खुशामदीद नाजरीन, नया इंकलाब न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हाजिली बढ़ते आज की अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुक्तारी, सदर आल इंडिया मजलिस-ए-इंक़लाबे मिल्लत, हैदराबाद की हवा खुसूसन तेलंगाना के उन असाब से मुखातिब हूँ जो गरीबों की और मजबूरों की और बेकसरों की मदद करते हैं। हमारी जमात आल इंडिया मजलिस-ए-इंक़लाबे मिल्लत की जानिब से आज हम जो है चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन जनाब इम्तियाज़ साहब से जो है हजरत में मुलाकात किए और उनको एक रिप्रेजेंटेशन भी दी। इस रिप्रेजेंटेशन में हमने ये मुतालबा किया कि आप जो है 15 दिन का टाइम दिए हैं और 15 उसमें जो है और जो शरायत आप आयद किए, दो शरायत तो बड़े पुरखतर है। एक शर्त यह है कि आप राशन कार्ड की कापी लगाएं, जबकि हज़ारों राशन कार्ड की दरख्वास्तें राशनिंग ऑफिसर में गरीबों की ज़र तस्फिया है, उसका कोई तस्फिया नहीं हुआ। और दूसरी आप ये कहें कि इनकम सर्टिफिकेट दें और BMRO का दें, लेकिन दीगर महकमों में जो दरख्वास्त देनी जाती है इनकम के सिलसिले में यह रिलैक्सेशन दिया जाता है कि जो पब्लिक का नुमाइंदा हो वो पब्लिक का नुमाइंदा MLA हो सकता है, MP हो सकता है, MLC हो सकता है, और जो है बाद दफ़ा तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर को भी ये सर्टिफिकेट कबूल करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप MP को अहमियत दीजिए, MLA को अहमियत दीजिए कि उन्हें इनकम सर्टिफिकेट दा इस बात के अवाम से करीब रहते हैं वो लोग, ताकि वो दरख्वास्त दाखिल कर सकें। आप दरख्वास्त दाखिल करने में शरायत रखें तो आप क्या फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं समझता हूं जो अमाउंट 50 करोड़ जो जारी की थी वो ना काफ़ी थी, तो इससे पहले भी हम मुतालबा करे थे और तो उसके बाद और दीगर जमातें मुतालबा की तो और जो 70 करोड़ आप जारी करें, जबकि 7 साल से कोई माइनॉरिटी की इसकी बात से कोई गरीब और मुस्तहक मुस्तफीद नहीं हुआ। और जो साबिका रिवायत ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट भी जब थी तो जो बजट रिलीज़ करते थे उसमें से 50% बजट खर्च होता था और बाकी वापस कर दिया जाता है। ये हमारी बंदा ऐलान करते हैं और 5 तारीख आखिरी दे देते हैं। ये किस किस्म की जो है एक्सप्रेस ट्रेन है समझ में नहीं आता। तो आप जो टाइम बढ़ाइए, जाते आपको पैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, टाइम बढ़ाइए तो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। आप जरा मंडल ऑफिसरों को जाके देखिए, हमारे चेयरमैन साहब अपने कोई नुमाइंदों को भिजाइए, देखिए कैसा लोग ठहरे हुए हैं। अजला से लोग जो है आए हुए थे आज हम लोगों से मुलाकात करें, वो लोग बोले भैया वो इनकम क्या EMRO वक्त पे नहीं मिलता, दौरों पर रहता वो रहता, हमारे हाथ से बुद्धिशाली हो रही है। तो ये सर्टिफिकेट पर रिलैक्सेशन दीजिए, आप अवामी नुमाइंदों को अहमियत दीजिए और उन पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर कीजिए कि वो मुस्तहकीन को रिकमेंड करें, वो अपने कारिंदों को रिकमेंड मत करें, बल्कि जो अवामी लोग उनसे करीब है और वो जिससे वाकिफ है आप उनका जायज़ा लीजिए और उनको इसके बाद के बेरोज़गारी हद दर्जे बढ़ी हुई है, लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। आप 500,000 और 2,000 लोगों को आप क्या लोन देंगे और क्या लोन से काम होने वाला है। अब आप इसकी बात को बढ़ाने के लिए आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, 2 लाख से कम नहीं। बजाय इसको आप जो हमारे दलित बिंदुओं को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, आप ये क्या डिस्क्रिमिनेट किया आप एक और के लिए, ये डिस्क्रिमिनेशन को आप ख़त्म कीजिए, आप इंसानी बुनियाद पे तय कीजिए। तो मैं जनाब चेयरमैन साहब माइनॉरिटी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि यकीनन आप कुछ ही अरसे में ये आपका आपने इसको जारी किया है, हम जो है आपके खुलूस से जो है मुतासर ज़रूर है, लेकिन हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा
गरीबों का फायदा पहुंचे। खुदा।